हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन के लिए, जिसमें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करिकुलम स्टडीज यूनिट 5 का डी सेक्शन। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके तीन सेक्शन कंप्लीट किए हैं, जिसमें 5A है आपका, 5B है एंड 5C है। जिन लोगों ने भी प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर लें। ओवरऑल मैंने पूरा जो कंटेंट प्रिपेयर किया है वो आपके दिसंबर का जो सेशन है 2023 का, उसको टारगेट करके किया है। ठीक है, तो हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है, दिसंबर 2023 का, जिसमें आज हम लोग डी सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। अब डी सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं आपके डिस्कस करने वाली, यहाँ पे हम देखेंगे करिकुलम चेंज के बारे में और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो करिकुलम चेंज को इफेक्ट करते हैं। एंड उसके अलावा आपकी कई सारी अप्रोचेज हैं यहाँ पे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव अप्रोच है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच, देर आर द थ्री अप्रोचेस जो हम इसको यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे। फिर आपका टीचर्स का क्या रोल होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। उसके अलावा करिकुलम रिसर्च क्या होता है, इन सब के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड एक चीज और यहाँ पे कि ये जो है आपका करिकुलम का, है ना, ये 5 का डी सेक्शन है, ठीक। इसके बाद आपकी एक मिसलिनियस वीडियो आएगी करिकुलम की, है ना। मिसलिनियस कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है ना, जो आपके सिलेबस से थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगी, तो वो पूरा मिसलिनियस रहेगा। उसमें डिफरेंट डिफरेंट नए नए टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं, है ना। वो हमारे मतलब बेसिकली सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दे रखे हुए हैं, बट इनडायरेक्टली वो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो इस सेशन के बाद आपका एक सेशन और रहेगा कार्यक्रम का, ठीक है, यूनिट 5 का, जिस वो मिसलिनियस टॉपिक होंगे वहाँ पे, क्लियर है। उसके अलावा अगर किसी को लग रहा है कोई टॉपिक अगर रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकता है। वैसे मैंने कोशिश की है मैं सारा कंटेंट यहाँ पे कवर करूँ, इवन मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी डाले हुए हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो करिकुलम चेंज की बात करते हैं, करिकुलम चेंज से क्या समझ रहे हो, कि करिकुलम मतलब जो पूरे चेंजेस होते हैं वहाँ पे क्या है, आप क्या करते हो, जो भी करिकुलम में इम्प्रूवमेंट लेके आते हो केयरफुली, यहाँ पे ये कुछ की पॉइंट आपके लिखे हुए हैं, केयरफुली प्लानिंग करते हो चेंज लाने के लिए, कंटिन्यूस प्लानिंग होती है ना, और एनालिसिस करते हो। सबसे पहले तो काम यही होता है, कभी भी किसी करिकुलम को अगर आप चेंज करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले तो स्टेप यही होता है आपका कि आप एग्जिस्टिंग करिकुलम को एनालिसिस करो, पहले उसका देखो वहाँ पे क्या पहले से था, है ना, उस चीज़ को यहाँ पे पहले एनालिसिस करो, फिर आप आगे प्रोसीड करो, इम्प्रूव करते हो इफेक्टिवनेस की। तो ये कुछ चार की पॉइंट है यहाँ के करिकुलम को, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, और डिटेल में हम लोग अभी आगे देखते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने काफी ज्यादा डिटेल में चीजों को लिखा है और हिंदी और इंग्लिश सभी में है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, पीछे आओ। करिकुलम चेंज, करिकुलम चेंज कहने का मतलब क्या है, जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है ये आपका की पॉइंट है, ये पहला पॉइंट आपका क्या है, की पॉइंट है। करिकुलम चेंज क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग, रिवाइजिंग एंड अपडेटिंग द कंटेंट स्ट्रक्चर एंड डिलीवरी ऑफ अ करिकुलम। तो कह सकते हो एक लाइन में, अगर एक लाइन में बताना चाह रहे हो कि करिकुलम चेंज होता क्या है, करिकुलम चेंज एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, रिवाइज कराते हैं, जो भी कंटेंट है उसको अपडेट कराते हैं, है ना, स्ट्रक्चर्स हैं, डिलीवरी ऑफ, ओवरऑल हम यहाँ पे जब करिकुलम को डिलीवर करते हैं तो उससे पहले एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम क्या कराते हैं, उसको मॉडिफाई कराते हैं जो भी एग्जिस्टिंग है, या फिर उसको रिवाइज कराते हैं, अपडेट कराते हैं, दैट इज द करिकुलम चेंज, ठीक है। करिकुलम चेंज इज ऑफन ड्राइवन बाय वेरियस फैक्टर्स। अब जो करिकुलम चेंज है कई सारे फैक्टर्स से आता है, ठीक है, सच एज चेंज इन सोसाइटल नीड। अब करिकुलम में आपको चेंज लेके आना है तो ये चीज कहाँ से आई, ये आपकी जो सोसाइटी की नीड्स हैं, ठीक है, वो ये जो सोसाइटल जो नीड्स है ये क्या है, फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से करिकुलम में चेंज लाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट हो रहा है उसकी वजह से भी करिकुलम में हमको अपडेट करने की उसको जरूरत है। फिर न्यू नॉलेज, जो नई नई, जब भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता है, कोई न्यू नया इनोवेशन होता है, तो कोई नई नॉलेजेस जो आती है उसको एड ऑन करना, है ना, उसके लिए रिसर्च करना, शिफ्ट इन स्टूडेंट डेमोग्राफिक एंड लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट जो मेजर है उसको मैंने यहाँ पे मैंशन किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है आपका, जो करिकुलम चेंज है वो कैसे आता है, बाय द वेरियस फैक्टर, जिसमें चेंजेस होते हैं सोसाइटल नीड्स से रिलेटेड, एडवांसमेंट होता है टेक्नोलॉजी, न्यू नॉलेज एंड रिसर्च, शिफ्ट इन स्टूडेंट डेमोग्राफिक्स एंड लर्निंग स्टाइल, राइट।
पर्पस ऑफ इज टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन। अब ये करिकुलम चेंज लाने का पर्पस क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट में बात हो रही है, जो करिकुलम है उसको चेंज लाने का पर्पस क्या है, हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन है उसको हमें यहाँ पे क्या कराना है, उसकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कराना है, एंड टू बेटर अलाइन इट विद द नीड ऑफ स्टूडेंट्स, सोसाइटी एंड द वर्क फोर्स, जिससे वो हमारे स्टूडेंट्स की नीड, सोसाइटी की नीड और वर्क फोर्स के साथ वो अलाइन हो पाए। द प्रोसेस ऑफ चेंजेस चेंज इन्वॉल्व थोरो एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम आइडेंटिफिकेशन। अब ये भी की पॉइंट है आपका। अब जब आप प्रोसेस, ये पूरा चेंज का प्रोसेस करोगे, है ना, ये जो प्रोसेस आप करोगे, तो उससे पहले आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग करिकुलम का एनालिसिस करोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है ना, ये भी तो पता होना चाहिए। आपने एग्जिस्टिंग करिकुलम को चेक किया, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखोगे, उसको नोट डाउन करोगे एग्जिस्टिंग करिकुलम की। फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली, आप अकॉर्डिंगली जब उसके स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, प्लान करोगे, डेवलपमेंट ऑफ अ प्लान फॉर मॉडिफाइंग और डेवलपमेंट ऑफ और अपडेटिंग द करिकुलम। पहली बात समझो यहाँ पे, जब भी हम चेंज लाते हैं, कोई भी चेंज अगर हमें लेके आना है, तो हम क्या करें, थोरो एनालिसिस, पूरी डिटेल में जाके पहले एग्जिस्टिंग करिकुलम का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम उस करिकुलम से रिलेटेड जो भी कोई भी करिकुलम होगा, उसका स्ट्रेंथ भी होगा, उसका वीकनेस भी होगा, दोनों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर अकॉर्डिंगली जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपने जो करिकुलम है ना, उसका प्लान को डेवलप कराएंगे, है ना, प्लान को डेवलप करेंगे, उसमें हमको मॉडिफाई करने की जरूरत होगी तो मॉडिफाई करेंगे या फिर उसको अपडेट कराएंगे। क्लियर है बात। इट कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली बात है, करिकुलम में चेंज आप लाना चाह रहे हो तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रोसेस है, ठीक है। दैट रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ वेरियस स्टेक होल्डर एज एजुकेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। इसमें मैं स्टेक होल्डर के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, जो स्टेक होल्डर होते हैं वो कौन होते हैं, आपके एजुकेटर्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, है ना, ये सब क्या होते हैं, आपके स्टेक होल्डर होते हैं। तो ये जो करिकुलम का चेंजेस होता है, ठीक है, वो कौन लेके आते हैं, ये आपके स्टेक होल्डर ही लेके आते हैं। जब तक उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक आप कैसे करिकुलम में चेंज लेके आओगे। तो करिकुलम चेंज क्या है, इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग प्रोसेस, राइट। इफेक्टिव चेंज ऑल्सो रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, है ना। अभी आपने की पॉइंट देखा, जब भी हमें एक इफेक्टिव चेंज लेके आना चाहते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक प्लानिंग करनी होती है ना, केयरफुल प्लानिंग। अब ये सब की पॉइंट है आपके, इम्प्लीमेंटेशन, ongoing evaluation, है ना, continuous improvement, these are the key points. There are the several method models of the curriculum change, different models हैं आपके curriculum change में। unit 9 में आप इसके बारे में पढ़ोगे भी, है ना, जब मैंने already करा रखा हुआ है, but इसलिए जब मैं इसको detail में फिर से कराऊंगी तो वहाँ पे पढ़ना आप लोग, ठीक है। several models हैं आपके curriculum change में, जिसमें से एक model हम लोग पढ़ते हैं Kurt Lewin का, ठीक है, Lewin's का change model। लेविन का चेंज मॉडल पढ़ते हैं जिसमें तीन स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तीन स्टेप्स कहने का मतलब क्या है, थ्री स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है आपकी अनफ्रीजिंग, दूसरी स्टेज होती है आपकी चेंजिंग, एंड तीसरी स्टेज होती है आपकी रीफ्रीजिंग, ठीक है। देर आर द थ्री स्टेजेस इन कर्ट लेविन चेंज मॉडल। फर्स्ट वन इज अ अनफ्रीजिंग, सेकेंड वन इज अ चेंजिंग, एंड थर्ड वन इज अ रीफ्रीजिंग। जब भी अनफ्रीजिंग की बात करते हैं तो अनफ्रीजिंग में क्या होता है, हम चेंज के लिए अपने जो लोग होते हैं जिनके अंदर हम चेंज लाना चाह रहे हैं, जिनको चेंज हम करना चाह रहे हैं, है ना, जिनके लिए चेंज लाया जा रहा है, उनको हम वो चीज को, उस चेंज को इंट्रोड्यूस कराते हैं इन द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, अब हमने उनको इंट्रोड्यूस करा दिया है सारी चेंजेस को कि ऐसे ऐसे है, अब उनको उनके अंदर हम चेंजेस लेके आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे उस चीज को अडेप्ट करेंगे। रीफ्रीज करने का मतलब क्या, कंटिन्यूसली हम उनको रीइंफोर्स करते रहेंगे जैसे वो चेंज कैसा हो जाए, परमानेंट बन जाए, है ना। तो ये तीन स्टेजेस होती हैं आपकी कर्ट लेविन की चेंज मॉडल में, क्लियर है। तो ये एग्जांपल किसका है, आपका करिकुलम चेंज का ही है। दिस मॉडल एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग सेंस ऑफ अर्जेंसी, इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर, रीइंफोर्सिंग द चेंज टू इंश्योर दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ न्यू करिकुलम। क्लियर है बातें, ये स्लाइड क्लियर है, जितने भी की पॉइंट थे मैंने सभी को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। ये आपका हिंदी में भी दे रखा हुआ है, अभी आ जाओ। There are the following steps involved in the curriculum changes. ठीक है, different steps हैं जो आपके curriculum stages में आते हैं। इसमें 5 steps हैं। सबसे पहला आता है आपका यहाँ पे need assessment। कभी भी curriculum को अगर आप change curriculum में change लाना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, need assessment करोगे, ठीक है। need assessment से ऐसे भी समझ सकते हो कि आपका जो existing curriculum है उसमें क्या क्या चीजें हैं, ऐसे भी समझ सकते हो। जब नीड असेसमेंट आपने कर लिया, मतलब आपने अपने स्टेक होल्डर से डेटा को कलेक्ट किया, है ना, उनके साथ डिस्कशन किया
और इंटरव्यू लिया, मतलब जो भी चीजें हो सकती हैं जिससे आप उनका बेसिकली करंट नीड क्या है उसको पहचान पाओ, है ना। बेसिकली जो करंट नीड है उस चीज को पहचान पाओ और एनालाइज कर पाओ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, है ना, एनालाइज कर पाओ स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है, ठीक है, एग्जिस्टिंग करिकुलम का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, उसको एनालाइज करने के बाद आप क्या करोगे, गोल सेट करोगे। ये क्या है, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में अब आप वंस द नीड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड द नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश अ क्लियर गोल एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द, ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, जब भी आपने नीड असेसमेंट कर लिया आपका फिर दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा गोल एस्टैब्लिशिंग। गोल एस्टैब्लिशिंग में आपको ध्यान रखना है जो आपका गोल होगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, शुड बी स्पेसिफिक स्मार्ट, मतलब जो आपका गोल हो ये आपका की पॉइंट है, ठीक है, जो आपका गोल होना चाहिए इट शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट कहने का मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए एंड टाइम बाउंड होना चाहिए, क्लियर है। प्लानिंग पे आ जाते हैं, अब ये आता है थर्ड स्टेप, प्लानिंग की बात करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अब दिस स्टेज स्टेज रिक्वायर्स अ वेल डिजाइन प्लान, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक वेल डिजाइन प्लान चाहिए, स्ट्रेटजीज चाहिए जिसको हमें क्या करना है, मतलब उन स्ट्रेटजीज का यूज करके हमें क्या करना है, चेंजेस को इम्प्लीमेंट कराना है। द प्लान शुड, अब इस प्लान में क्या क्या होना चाहिए, अब ये जो चीजें लिखी ना इम्पोर्टेंट है, ये जो प्लान होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, आपका टाइमलाइन होना चाहिए, मतलब कितने टाइम पे ये आपको जो चेंज है उसको कंप्लीट करना है, है ना, कौन कौन सी रिसोर्सेज का आपको नीड है, उसके अलावा रोल्स क्या है आपके, मतलब जिनको जिनको आपको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देनी है, है ना। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, ये आपकी प्लानिंग के अंदर आती है। देन नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं आपकी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का कहने का मतलब क्या है, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, है ना, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू कोर्स मटेरियल। यहाँ पे न्यू कोर्स मटेरियल को हम डेवलप कराएंगे, चेंजेस लाएंगे टीचिंग मेथड्स के अंदर, अप्रोचेस के अंदर, और अडॉप्ट करेंगे जो भी नई टेक्नोलॉजीज होंगी। देन आता है फिर आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कहने का मतलब इट शुड बी इवैल्यूएटेड रेगुलरली, हमें रेगुलरली इवैल्यूएट करने करते रहना चाहिए जिससे हम इस चीज को इंश्योर कर पाए जो हमारा हमने यहाँ पे जो गोल सेट किया था वो अचीव हो पाया या फिर नहीं हो पाया। फॉर दैट हम क्या करेंगे, डेटा को गैदर करेंगे, असेसमेंट करेंगे, स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम्स का ध्यान देना, जो भी लर्निंग आउटकम्स आएगी इवैल्यूएशन में हम उस चीज को वहाँ पे असेस करेंगे, फीडबैक लेंगे अपने स्टेक होल्डर से, ठीक है, तो ये इवैल्यूएशन के अंदर आता है। फिर अभी हमने फीडबैक ले लिया, डेटा को गैदर कर लिया, स्टूडेंट की लर्निंग के जो आउटकम्स है उसको इवैल्यूएट कर लिया, लेकिन अगर हमने इसको कंटिन्यूअसली नहीं किया, है ना, अगर हम इसको कंटिन्यूअसली नहीं करेंगे तो ये चेंज क्या परमानेंट रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना। फॉर दैट हम इसी वजह से इसको क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करते रहते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन। जो भी आपका इवैल्यूएशन निकल के आता है तो हम इसको क्या करते हैं, इट मे नीड टू बी रिवाइज, इसको रिवाइज करते हैं, फिर से मॉडिफाई करते हैं, फिर से अपडेट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि हम क्या कर पाए, दैट इट रिमेन्स रेलिवेंट एंड इफेक्टिव, इस चीज को हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी हम बात करते हैं करिकुलम की, करिकुलम चेंज की, तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेप होता है आपका नीड असेसमेंट, सेकेंड होता है आपका गोल सेटिंग, थर्ड होता है प्लानिंग, फोर होता है इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ होता है इवैल्यूएशन, सिक्स होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्लियर है बात, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपका हिंदी में भी था, मैंने हिंदी में भी यहाँ पे चीजों को डाल दिया। ओके, अब आ जाओ फैक्टर्स। अभी देखो फैक्टर्स की अगर बात करें तो फैक्टर्स कई सारे होते हैं आपके, है ना, करिकुलम में जब भी हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो करिकुलम को क्या कराते हैं, इफेक्ट, मतलब करिकुलम में चेंज लाने के टाइम पे इफेक्ट करते हैं, लाइक आपका पॉलिटिकल फैक्टर होता है, इकोनॉमिक फैक्टर होता है, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं कुछ, लेकिन जो मेजर है वो ये है आपके, लाइक आपका सोसाइटी हो गया, है ना, पॉलिटिकल जो कंसर्न होता है, स्टेक होल्डर का नीड एंड एस्पिरेशन, सोशियो कल्चर जो कॉन्टेक्स्ट है, जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज है ना, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, नॉलेज क्या है स्टूडेंट का, है ना, स्टूडेंट खुद, और इसमें एक दो पॉइंट और भी लिख सकते हो, जैसे आपका नेशनल प्रायोरिटीज हो गया, है ना, और सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, तो ये सब क्या है फैक्टर्स हैं, है ना, ये सब फैक्टर्स हैं जो आपके करिकुलम चेंज को इफेक्ट करते हैं, है ना। अभी आ जाओ टाइप्स ऑफ करिकुलम, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा नाम, कि ये जो टाइप्स आपके करिकुलम के हैं वो किसने दिया है, आप एनटीए के एग्जाम्स प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, कई बारी वो पूछ रहा है कि ये जो चेंजेस हैं या फिर ये जो पॉइंट हैं वो किसने दिए हैं,
ना, वो बेसिकली वो जानना चाह रहे हैं कि किसने दिया है इस चीज को। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, मैक नील ने आइडेंटिफाई किए थे इन ये जो टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज है। किसने आइडेंटिफाई किया था? मैक नील ने किए थे। देर आर द फोर फाइव टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज दैट आइडेंटिफाई बाय द मैक नील, जिसमें आता है सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले क्या आता है आपका? सब्स्टिट्यूशन, फिर अल्टरेशन, फिर परचर्बेशन, फिर रीस्ट्रक्चरिंग, देन आता है आपका वैल्यू ओरिएंटेशन। ठीक है, एक को देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन कब होता है? सब्स्टिट्यूशन देखो, सिंपल सा समझो, जब हम क्या करते हैं, ओल्ड टेक्स्ट बुक को न्यू टेक्स्ट बुक के साथ रिप्लेस करा देते हैं। ठीक है, ये एक लाइन आपकी एनटी में पूछी भी गई है। यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं ओल्ड टेक्स्ट बुक को बाय द न्यू टेक्स्ट बुक। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन अकर्स व्हेन अ न्यू एलिमेंट सब्स्टिट्यूट द अदर व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, सच एज टीचर आर रिक्वायर्ड टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू टेक्स्ट बुक फॉर एन ओल्ड वन। जैसे होता नहीं बुक्स जो आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड्स वगैरह होते हैं, वहां पे क्या होता है, आपकी पुरानी वाली बुक की जगह पे क्या होता है, उस एक नई बुक को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है कि आपको ये वाली तो क्लास में पढ़नी पड़नी है, उसके अलावा आर एस अग्रवाल भी पढ़नी है, एक बुक और सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना, तो ऐसे समझ लो। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कराते हैं, सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। अल्टरेशन की बात करते हैं, अल्टरेशन एग्जिस्ट व्हेन न्यू कंटेंट आइटम मटेरियल और प्रोसीजर आर एडेड अप इनटू द एग्जिस्टिंग मटेरियल। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ऐसा समझो ये जो ओल्ड बुक है ना, समझो इस ओल्ड बुक है, इसको हम क्या कराते हैं यहाँ पे, रिप्लेस करा देते हैं न्यू बुक से। इसको हम क्या करते हैं, न्यू बुक के साथ यहाँ पे रिप्लेस करा देते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे, इस बुक की जगह पे ये वाली बुक आ जाती है। जैसे होता है कोई टीचर है आपको मैथ्स पढ़ाता है, लेकिन एक दिन वो एक एब्सेंट हो गया, तो क्या दूसरे टीचर को क्या किया जाता है, उसकी जगह पे भेज दिया जाता है क्लास में पढ़ाने के लिए। तो ये क्या हुआ आपका, सब्स्टिट्यूशन हुआ। क्लियर है बात? अल्टरेशन में क्या होता है, हम नए कंटेंट को है ना, न्यू कंटेंट आइटम मटेरियल प्रोसीजर को ऐड कराते हैं हमारे एग्जिस्टिंग मटेरियल के साथ। लाइक आपका 14 चैप्टर है, उसके साथ दो चैप्टर और ऐड कर दिया गया, तो ये क्या है, अल्टरेशन है। यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पे हम बदलाव करा रहे हैं है ना, जो मौजूद है, पहले से जो मौजूद है मटेरियल, उसके साथ कुछ और को यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं। परचुबेशन, परचुबेशन मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी ये एक तरीके से समस्या पैदा करता है, मतलब इंटरप्ट करता है, मतलब जो भी प्रोग्राम है, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, जब जैसे कोई प्रोग्राम आपके यहाँ चल रहा है, ठीक है, मान लो जैसे स्कूल में कुछ एक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें जब कोई नई चीजें जब इंट्रोड्यूस हो जाती है अचानक से बीच सेशन में, तो क्या करता है, एक तरीके से इंटरप्ट करता है ना। पहले दैट मे एट फर्स्ट इंटरप्ट द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, बट लेटर इट कैन बी अटेंड अकॉर्डिंगली बाय द टीचर टू द ऑन गोइंग प्रोग्राम within a short time span. For instance, teacher needs to change their class schedules. The changes may affect the time allocated for teaching other subjects, or it may affect other teachers' class schedule. But it could be adjusted shortly. समझो, मान लो आपका क्लास में 7 पीरियड होते हैं, है ना? 7 पीरियड होते हैं आपके क्लास के, ठीक? लेकिन उसी बीच में एक वर्कशॉप चलाई जाती है, उसी बीच में एक वर्कशॉप चलाई जाती है जो एक महीने के लिए होती है। ये वर्कशॉप का जो टाइम होगा वो एक घंटे का होगा, ठीक? ये एक घंटे का टाइम किसी एक पीरियड की ये जो एक घंटे का टाइम होगा ये इसी में से तो जाएगा ना, ठीक? तो पहले जब ये वर्कशॉप स्टार्ट होगी तो टीचर का जो पढ़ाने का टाइम है, मान लो अगर 45 मिनट है हर टीचर का पढ़ाने का टाइम, तो इसी में से उसको टाइम को कम करना पड़ेगा ना, तभी इस एक घंटे इस वर्कशॉप को दिया जा सकता है। तो पहले ये क्या करेगा, ये पहले इंटरप्ट करेगा, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे दिक्कत आएगा पहले पहले एडजस्ट कराने में एक दो दिन, उसके बाद धीरे धीरे आप क्या कर लोगे, इस चीज को अडेप्ट कर लोगे, ठीक है? धीरे धीरे आप इस चीज को क्या कर लोगे, अडेप्ट कर लोगे कि अब आपको 45 मिनट से नहीं 30 मिनट ही क्लास में पढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे एक घंटे की वर्कशॉप होनी है, ठीक है? क्लियर है बात? रीस्ट्रक्चरिंग, अब रीस्ट्रक्चरिंग की जब भी रीस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हम होल सिस्टम की बात करेंगे, होल स्कूल सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करते हैं, कभी एक को रीस्ट्रक्चर नहीं करते हैं। ये मैंने दो दो बार कर दिया क्या? ओ अच्छा, ये हिंदी के करने के चक्कर में, चलो ये हिंदी में नहीं हो पाया है, इसको मुझे हिंदी में करना था लेकिन ये इंग्लिश में रह गया, कोई नहीं। यहाँ पे रीस्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं वो आपके मॉडिफाई द होल स्कूल सिस्टम। यहाँ पे जो भी मतलब रीस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे तो पूरे स्कूल सिस्टम में जब आप मॉडिफाई कर रहे हो, मतलब स्कूल सिस्टम में पूरे उसके स्ट्रक्चर में आप क्या कर रहे हो, मॉडिफिकेशन लेके आ रहे हो, तो वो क्या होता है, रीस्ट्रक्चर होता है। सच एज स्कूल इंट्रोड्यूस अ न्यू करिकुलम, अब ये न्यू करिकुलम पूरे स्कूल के लिए होगा है ना, जो भी टीचर्स और पीपल्स होंगे सबके लिए होगा,
ठीक, तो वही चीज है यहाँ पे। फिर आता है वैल्यू ओरिएंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैल्यू ओरिएंटेशन। वैल्यू ओरिएंटेशन चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन द टीचर और स्कूल स्टाफ आर साउट टू अडॉप्ट द न्यू फंडामेंटल फिलोसफीज, जब वो न्यू फंडामेंटल फिलोसफीज या फिर करिकुलम ओरिएंटेशन को अडॉप्ट कराते हैं। द चेंज शुड अकर इफ इफ ओनली दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट द न्यू वैल्यूज, अदरवाइज द चेंज विल बी शॉर्ट लिव्ड। कहने का मतलब क्या है वैल्यू ओरिएंटेशन, कहने का मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है। वैल्यू ओरिएंटेशन में यहाँ पे हम क्या कराते हैं, मूल्य, ठीक है। मूल्यों को यहाँ पे क्या किया जाता है, अडेप्ट किया जाता है, जो भी न्यू फंडामेंटल फिलोसफीज हैं करिकुलम ओरिएंटेशन उसको अडॉप्ट करना। लेकिन ये जो चेंजेस हैं, ये जो वैल्यू है, वैल्यूज हैं, वो कब तक रहेंगी, जब आप विलिंग होगे, जब आपकी इच्छा होगी उसको अडेप्ट करने की, एक्सेप्ट करने की, तो आप उसको क्या करोगे, लॉन्ग टाइम तक रख पाओगे। अदरवाइज आप बेमन के अगर करोगे तो वो कुछ टाइम के बाद हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका करिकुलम के चेंजेस। उसके बाद कुछ मैंने ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपका डाला है यहाँ पे कि जैसे क्या बोलते हैं इसको, सुलेमान है ना, और टी अयूब सुलेमान 2015, गुरबा ये पी एटल 2004 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग करिकुलम। इन्होंने कुछ करिकुलम चेंज को, मैंने एक दो नाम नए यहाँ पे डाल दिए, आपके से पूछे नहीं गए बट स्टिल नए थे तो मैंने डाल दिए यहाँ पे। फॉलोइंग करिकुलम चेंज को इन्होंने बताया, सबसे पहले इन्होंने बोला इंट्रोड्यूस करो इंट्रोडक्शन ऑफ अ होल न्यू डिग्री प्रोग्राम है ना, और स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक पूरे नए डिग्री प्रोग्राम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ अ होल न्यू कोर्स वर्क डिग्री प्रोग्राम एट द पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। फिर आ जाओ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट और डिलीशन ऑफ ऑफ एन एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करना और पुराने वाले में से कुछ डिलीट करना। फिर चेंज टू और विद इन अ फर्स्ट ईयर और अदर कोर सब्जेक्ट, मतलब कहाँ पे लेके आना है, फर्स्ट ईयर या फिर जो अदर कोर सब्जेक्ट है, सच एज टू चेंज द फर्स्ट लैंग्वेज टॉट टू द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, यहाँ पे चेंज लेके आना। चेंज टू और विद इन एन इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वहाँ पे चेंजेस लेके आना है ना, सच एज इन द चॉइस ऑफ अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज यूज इन थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स है ना, इस तरह के चेंजेस। तो ये जो चेंजेस हैं ये आपके किसने दिए थे, सुलेमान ने दिए थे। एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक चीज और थी बेनिस की, मैंने नहीं डाला क्या कुछ सा। बेनिस ने भी तीन तरीके के चेंजेस दिए थे आपके, जस्ट से मैं देख लू एक बार, ऐसे मैंने डाला तो था, स्लाइड बनाया था, होना चाहिए, है। बेनिस, बेनिस ने आइडेंटिफाई किए थे आपके तीन टाइप्स के चेंज, ये आपके चेंज पूछे गए हुए हैं। बेनिस ने इन आइडेंटिफाइज, बेनिस बेनिस आइडेंटिफाइज है, आइडेंटिफाइज थ्री टाइप्स ऑफ चेंजेस, प्लान चेंज, कोरेशन, इंटरैक्शन चेंज। प्लान चेंज कैसा होता है, जो नियोजित होता है, कोरेशन जो जबरदस्ती किया जाता है, इंटरैक्शन जो आपस में बातचीत करके होता है। अब देखो जब भी प्लान चेंज की बात करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ अ चेंज दोज हु आर इन्वॉल्व्ड हैव इक्वल पावर, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लान चेंज में क्या होता है, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके पास क्या होता है, इक्वल पावर होता है। इट इज क्लियर व्हाट एवरीवन नीड्स टू डू, सबको ये पता होता है कि उन्हें क्या करना है। दिस इज अ प्रेफर्ड टाइप ऑफ अ चेंज, ये एक प्रेफर्ड टाइप, मतलब इस चेंज को हम लोग प्रेफर करते हैं। पीपल हैव अ वॉइस, पीपल खुद से बोल सकते हैं, ठीक है। दे आर इन एग्रीमेंट एंड एवरीवन इज मूविंग टुगेदर, ठीक है। सिंपल से प्लान चेंज में ऐसा ध्यान रखो, प्लान चेंज कैसा होता है, जहाँ पे मतलब जिनके लिए हमने चेंज को प्लान किया है ना, जिनके लिए हमने प्लेन चेंज को प्लान किया है, उनको इक्वल पावर होती है कि वो बोल पाए, उन्हें पता होता है कि उनके साथ उनको क्या क्या चेंजेस यहाँ पे लाए जा रहे हैं, उन सब के बारे में उनको पता होता है, वो एक साथ चलते हैं यहाँ पे। फिर आता है कोरेशन, कोरेशन क्या होता है, जबरदस्ती, यहाँ पे एक के मतलब यहाँ पे पावर का इम्बेलेंस हो जाता है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है इसका की पॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है, इम्बेलेंस हो जाता है पावर का, ठीक है। एक ग्रुप क्या करता है, वन ग्रुप डिटरमाइन द गोल एंड हैज द पावर, ऑल अदर ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिस्कशन एंड आर एक्सपेक्टेड टू ओबे। जैसे आपका फैक्ट्रीज में होता है, फैक्ट्रीज में क्या होता है, जो भी उसके ओनर होते हैं, उन्होंने एक उनके पास पावर है, ओनर है, उनके पास पावर है, उन्होंने जो चीज बोल दी वो सामने वाले जो उनके वर्कर है उनको परफॉर्म करना ही करना है। कोई भी वहां पे डिस्कशन नहीं होता है, उनको कोई चेंज अगर लेके आना है तो वो चेंज ले आते हैं वहां पे, ठीक है। वो डिस्कशन नहीं करते अपने वर्कर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, गोल को डिटरमाइन करते हैं, उनके पास पावर होता है, दूसरे क्या करते हैं, उस गोल को ओबे करते हैं, मतलब जो भी उनको गोल है, ठीक है, जो भी गोल डिटरमाइन किया गया है, ठीक है, उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे उसको उन्हें क्या करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है, ओबे करते हैं उस चीज को,
ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं होता है वर्कर के एंड से। यहाँ पे पावर किसके हाथ में होती है? सिर्फ एक ग्रुप के हाथ में होती है, ठीक है। यहाँ पे वो बिल्कुल भी डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होते, इक्वल पावर नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है इंटरेक्शन, दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स इक्वल अमाउंट ऑफ पावर। जब भी इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ पावर दी जाती है, ठीक है, दोज हु हैव इंटरेस्ट। जब इंटरेक्शन कैसे हो सकता है, जब दो लोगों के बीच में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, मतलब जो एक टॉपिक पे जब वो बात करना चाह रहे होते हैं, है ना, तभी होता है ना, वही लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ पावर होती है जो लोग इंटरेस्टेड है। द प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन एंड एग्जीक्यूशन, द प्रोसेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट थॉट आउट एंड डेवलप, दिस लेड्स टू पीपल हु आर विलिंग बट अनश्योर ऑफ व्हाट टू डू। ठीक, तो देखो यहाँ पे आ जाओ की पॉइंट में, प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल पावर होता है, ठीक है, इक्वल पावर होता है। कोरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पावर का इम्बैलेंस होता है। पावर क्या क्या होता है, यहाँ पे इम्बैलेंस होता है। इंटरेक्शन में क्या होता है, इक्वल पावर तो होती है ना, यहाँ पे क्या होता है, इक्वल अमाउंट पावर तो होती है, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ पावर तो होती है, पावर हु हैव इंटरेस्टेड, हु हैव इंटरेस्टेड, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ पावर होती है दोज आर इन्वॉल्व, ठीक है, जो वहां पे इन्वॉल्व है उनके लिए। क्लियर है बातें यहाँ तक? एन एक्सपीरियंस एजुकेटर हैज प्रोबेबली सीन दैट थ्री कॉमन टाइप ऑफ चेंजेस, ठीक है। एक जो एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर जो एजुकेटर होते हैं, है ना, जो अनुभवी शिक्षक होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये तीनों तरह के चेंजेस को देखा जाता है। कोई भी अनुभवी आपका शिक्षक है तो उसके अंदर ये तीनों तरह के चेंज पाए जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर एंड टीचर्स टू अंडरस्टैंड द डेंजर टू चेंजेस। जो भी आपके प्रशासन है या फिर शिक्षक हैं, उनको ये चीज समझनी चाहिए जो हम चेंज लेके आ रहे हैं उसका क्या खतरा हो सकता है, उसके बारे में भी उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। कोरेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क लॉन्ग टर्म, ये जो कोरेशन चेंज है, जबरदस्ती वाला जो चेंज है, वो ज्यादा दिन तक काम नहीं करता। एज सून एज द फोर्स इज रिमूव सो विल द कन्फॉर्मिटी ऑफ द टीचर इंटरेक्शन इज अनसक्सेसफुल, नॉट बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ विलिंगनेस बट बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ फॉलो थ्रू, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। कोई भी एक्सपीरियंस एजुकेटर्स होंगे, उनके पास तीनों तरीके ये चेंज को पाया जाता है। इतनी बातें क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज और मैंने पॉइंट यहाँ पे डाला था, इंपीरिकल रैशनल, इससे भी क्वेश्चन आया है, अनुभवजन्य तर्कसंगत, इंपीरिकल रैशनल। स्ट्रेस इज लेड ऑन द नीड फॉर चेंज एंड कॉम्पिटेंस टू इम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस इज लेड ऑन द नीड फॉर चेंज। हम किस पे स्ट्रेस करते हैं यहाँ पे, किस नीड फॉर चेंज, चेंज की जो परिवर्तन की जो आवश्यकता है, एंड द कॉम्पिटेंस टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, उस पे जोर दिया जाता है यहाँ पे। एम्पिरिकल रैशनल पे जोर किस पे दिया जाता है, नीड फॉर चेंज एंड द कॉम्पिटेंस टू इम्प्लीमेंट। दीज चेंज डू नॉट अकर एट द स्कूल लेवल, जो एम्पिरिकल रैशनल चेंजेस होते हैं वो आपके, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कूल लेवल पे नहीं होता है, क्योंकि ये उस तरह के चेंजेस को लाने में सक्षम नहीं होते हैं, है ना। फिर आज नॉर्मेटिव री एजुकेटिव, नॉर्मेटिव री एजुकेटिव इट इज बेस्ड ऑन द रैशनैलिटी, ये किस पे बेस्ड है आपका, रैशनैलिटी पे और इंटेलिजेंस ऑफ अ ह्यूमन काइंड। दिस काइंड ऑफ चेंज कैन अकर बाय अप्रोचिंग ह्यूमंस एंड कन्विंसिंग देम। अब ये जो अप्रोच कैसे ला सकते हो आप, ह्यूमंस को अप्रोच करो, उनको कन्विंस करो कि वो क्या करें, अपने अंदर ये चेंजेस लेके आए, लाइक उनकी वैल्यूज में चेंजेस लाना, उनके एटीट्यूड में चेंजेस लाना। आप अभी किसी की वैल्यूज या एटीट्यूड में चेंज लाना चाह रहे हो तो क्या करोगे, उनको पहले आप अप्रोच करोगे, पहले ह्यूमंस को, फिर उनको कन्विंस करोगे क्यों वो वैल्यूज को अपने चेंज करें, है ना, क्यों अपना एटीट्यूड वो चेंज करें। एंड स्किल्स, ठीक है, इसके अंदर आते हैं। पावर स्ट्रेटजीज की बात करें, चेंजेस शुड मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ सुपीरियर। पावर स्ट्रेटजीज वो क्या, शक्ति जो रणनीतियां हैं, उसका मतलब क्या है, जो भी चेंजेस होने चाहिए वो किससे मीट करें, जो भी एक्सपेक्टेशन है आपके सुपीरियर्स की, ठीक है, उसको वहां पे वो मीट करें। हु आर इन द हाइएस्ट पावर सच एज कोरेशन, यहाँ पे ये पावर स्ट्रेटजीज कहने का मतलब किसकी बात कर रहा है, कोरेशन चेंजेस, चेंज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कोरेशन चेंज की बात कर रहा है ना, कॉरेशन चेंज की बात कर रहा है, जहाँ पे जो जिनके पास अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है, जिनके पास पावर है, ठीक है, वो जो भी वो चेंजेस लाना चाह रहे हैं, वो चेंजेस को, वो चेंज मीट कर पाए उनकी एक्सपेक्टेशन को, तो ये होती पावर स्ट्रेटजी, ठीक है। अब आ जाओ अप्रोचेस पे, और भी कई सारी चीजें यहाँ पे मैंने डाली है पहले, लेकिन अप्रोचेस देख लेते हैं। जब भी अप्रोच की बात करते हैं तो तीन तरीके की अप्रोचेज होती हैं आपकी, है ना,
कितनी अप्रोचेस होती हैं आपकी? तीन तरीके की होती हैं। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, एक होती है ग्रास रूट अप्रोच, एक होती है डिमॉन्स्ट्रेटिव अप्रोच। समझ रहे हो? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, ग्रास रूट अप्रोच एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव अप्रोच। मैं थोड़ा सा की पॉइंट यहीं पे आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, फिर आगे आपको समझने में आसानी होगी। जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कहने का मतलब कि आपके स्कूल हेड है, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पहला स्टेप लेगा, फर्स्ट मूव कौन करेगा? जो फर्स्ट मूव करेगा करिकुलम में चेंज लाने के लिए, वो कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर करेगा आपका, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा आपका स्कूल का, वो करेगा पहला मूव करिकुलम में। आपको अगर चेंज लेके आना है तो पहला मूवमेंट यहाँ पे कौन करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में? आपका एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, या फिर आपके हेड ऑफ जो जो हेड होंगे स्कूल्स के, है ना, वो करेंगे यहाँ पे। क्लियर है बात? अभी आते हैं ग्रास रूट अप्रोच में, ठीक है। जब भी ग्रास रूट अप्रोच की बात करते हैं तो ये जो ग्रास रूट अप्रोच है, इस ये जो अप्रोच है वो किस कहाँ पे यूज किया गया था, किसने यूज किया था? हिल्डा दाबा ने, ठीक है, हिल्डा टाबा मॉडल, ठीक है, जहाँ पे ग्रास रूट अप्रोच को अप्रोच किया गया था। मतलब ये जो ग्रास रूट मॉडल है या फिर अप्रोच है, इसको प्रपोज किसने किया था? आपके हिल्डा टाबा ने किया था। ग्रास रूट कहने का मतलब क्या है? ये बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, आपके टीचर्स भी आते हैं, है ना, आपके जो स्टूडेंट हैं, आपके पेरेंट्स हैं, मतलब सब कुछ, सभी लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मतलब ये ग्रास रूट, यहाँ पे सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं इस अप्रोच में, सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो भी मेंबर हैं कम्युनिटी के, सभी लोग आते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे इसकी बात करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव। जब भी डिमॉन्स्ट्रेटिव अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है, तो ये किसने डेवलप किया डिमॉन्स्ट्रेटिव अप्रोच? आपकी टेलर ने किया, ठीक है। किसने किया है? डेवलप बाय द टेलर। जब भी डिमॉन्स्ट्रेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, है ना। यहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं, एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे, पूरा इसको उस मॉडल को रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे डिटेल में, जो मैंने बोला है वही सारी चीजें यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखी हुई है। मैं पूरा इसको समझा दे रही हूँ आपको। इन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच द एडमिनिस्ट्रेटर और हेड ऑफ द स्कूल मेक्स द फर्स्ट मूव व्हेन ही रियलाइजेस द नीड फॉर करिकुलम चेंज, ठीक है। सबसे पहला मूव कौन लेता है यहाँ पे? आपके हेड ऑफ द स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी कमिटी है वो यहाँ पे लेगी, ठीक है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, एंड सेटअप मशीनरी टू मेक द नीडेड प्रिविजन, कुछ मशीनरी को सेट करती है जिससे वो रिविजन कर पाए। ही अरेंज द फॉर फैकल्टी मीटिंग बुलाएगी जिसमें इनविज द नीड फॉर करिकुलम इंप्रूवमेंट इज प्रेजेंटेड, वहाँ पे जो करिकुलम में इंप्रूवमेंट की नीड है उसको प्रेजेंट किया जाता है ना। ये चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक। देन स्टीयरिंग कमिटी इज अपॉइंटेड, उसके बाद एक इससे क्वेश्चन पूछा गया इस लाइन से। देन अ स्टीयरिंग कमिटी इज अपॉइंटेड कंसिस्टिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड टीचर, उसके बाद जब चेंजेस यहाँ पे मतलब देखा जाता है कि इस सेक्शन में चेंज लाने की जरूरत है, उसके बाद एक स्टीयरिंग कमिटी को अपॉइंट किया जाता है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और टीचर्स होते हैं, ठीक है। अब ये कमिटी क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है कुछ जनरल प्लान्स को, है ना, डेवलप करती है गाइडिंग प्रिंसिपल्स को, प्रिपेयर करती है स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ऑब्जेक्टिव, जिससे वो जो जनरल जो ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें पूरा एंटायर स्कूल का पूरा प्रोग्राम कवर होता है। दीज फॉर्मुलेशन बिकम द करिकुलम डेवलपमेंट मैनुअल, ये जो आपका पूरा डेवलपमेंट है ना, ये जो फॉर्मुलेशन है, ये जो स्टीयरिंग कमिटी कर रही है वो करिकुलम डेवलपमेंट मैनुअल है। क्लियर है बात? इन एडिशन द स्टीयरिंग कमिटी वर्क आउट प्लान फॉर अ ट्रेनिंग टीचर्स एंड करिकुलम वर्क, डिटरमाइन द नंबर्स एंड काइंड ऑफ कंसल्टेंट टू बी एम्प्लॉयड एंड द काइंड ऑफ एक्टिविटी बेस्ट कैलकुलेटेड टू फैमिलियराइज द टीचर, ये सारी चीजें वो कर सकती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ जाओ, ग्रास रूट इट इन इट्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म, हमेशा ध्यान रखना ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है। द ग्रास रूट अप्रोच इज कम्युनिटी वाइज, ठीक है, जो ग्रास रूट अप्रोच है वो कैसी है, कम्युनिटी वाइज है। इट एम्ब्रेस नॉट ओनली टीचर्स, यहाँ पे सिर्फ टीचर्स नहीं आते हैं, यहाँ पे कौन कौन आते हैं, स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर एंड अदर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, सभी को यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द सर्टेन जनरल प्रपोजिशन, वन सच प्रपोजिशन इज दैट इफ टीचर इफ टीचर शेयर और टेक पार्ट इन शेपिंग द गोल टू बी अटेन, इन सेलेक्टिंग, डिफाइनिंग, सॉल्विंग द प्रॉब्लम टू बी इनकाउंटर्ड एंड इन जजिंग द इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट, देयर इन्वॉल्वमेंट इन करिकुलम चेंज विल बी मोस्ट एश्योर्ड। यहाँ पे सब सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है, ग्रास रूट अप्रोच में जो इसका की पॉइंट में यही है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म है आपकी, ये जितनी भी अप्रोचेज हैं तीनों अप्रोचेज में से, जहाँ पे जो ग्रास रूट अप्रोच है वो कम्युनिटी वाइड काम करता है ना, समुदाय व्यापी है, ठीक,
का जमीनी स्तर पे एक तरह से समझ सकते हो ये काम करता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ टीचर्स नहीं आते हैं, यहाँ पे आपके जो कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे आपके वो टीचर हो, पेरेंट्स हो, जो भी अदर अदर मेंबर्स हैं वो सारे होते हैं। टीचर्स का पार्ट लेना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक टीचर ही तो है जो आपके गोल को शेप करेगा, गोल को शेप करेगा, उसको कैसे अटेंड करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी कैसे उसके साथ एनकाउंटर करना है, उसके लिए जो भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए वो सारी चीजें एश्योर करे कौन करेगा, वो आपके टीचर्स ही करेंगे, है ना। तो कह सकते हैं जब ग्रास रूट प्रोसीजर बिगिंस विद एन इंडिविजुअल स्कूल इन इच इन इन ईच नेबरहुड, मतलब ये जो ग्रास रूट अप्रोच है वो एक इंडिविजुअल स्कूल से स्टार्ट होती है। ईच स्कूल इज एनकरेज टू वर्क एट अ यूनिट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। यहाँ पे जो भी ग्रास रूट अप्रोच कहने का मतलब क्या है, एक बिल्कुल छोटे सिरे से स्टार्ट होता है, फिर धीरे 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 ये ग्रुप बनता है, धीरे 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 ये ग्रुप बनता है, वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोच, द पर्पस ऑफ दिस अप्रोच इज टू इंट्रोड्यूस चेंज इन द रेगुलर प्रोग्राम ऑन अ स्मॉल स्केल, मतलब इसका पर्पस क्या है, चेंज को इंट्रोड्यूस करना है इन द रेगुलर प्रोग्राम स्मॉल स्केल्स पे, ठीक है, देयर बाय होल्डिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ द फैकल्टी एंड कम्युनिटी टू मिनिमम, सिंस दिस अप्रोच डिस्कवर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोपोस्ड चेंजेस ऑन अ स्मॉल स्केल बिफोर मेकिंग द चेंज इन द होल स्कूल, इट रिफ्लेक्ट्स द शॉर्ट ऑफ कॉज एन एसोसिएशन विद एन एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड। इससे क्वेश्चन आपका आया हुआ है एप्लीकेशन। देखो डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोच जो होती है, पहला की पॉइंट मैं जब बोल रही हूँ, देखो इसमें लिखा बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपके क्वेश्चंस आए हैं मैं वैसे आपको बोल के समझा रही हूँ। डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो डिमॉन्स्ट्रेशन जो अप्रोच है, ठीक है, इसका जो मेन पर्पस है वो मेन पर्पस क्या है, इंट्रोड्यूस करना चेंज को इन द रेगुलर प्रोग्राम, ठीक है, ऑन अ स्मॉल स्केल, ध्यान रखना लार्ज स्केल पे नहीं होता है, ठीक है, लार्ज स्केल पे नहीं होता है। सबसे पहले स्मॉल स्केल पे हम क्या करते हैं, एक रेगुलर प्रोग्राम में चेंजेस को इंट्रोड्यूस कराते हैं, है ना, एक रेगुलर प्रोग्राम में चेंजेस को यहाँ पे हम क्या कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आई, ठीक। फिर उसके बाद, ठीक है, जब हमने वहां पे इसको इंट्रोड्यूस कराया, ठीक, इंट्रोड्यूस कराने के बाद फिर हम उसको लार्जर लेवल पे लेके जाते हैं, मतलब एक स्कूल में पहले हमने क्या कर दिया, उस प्रोग्राम को डिमॉन्स्ट्रेट करके पूरा देख लिया, फिर उसके बाद हम उसको लार्जर लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने एक सिटी में किया, फिर उसके बाद हम उसको स्टेट में लेके जा रहे हैं, ठीक। तो ये होता है डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोच, ठीक है। जहाँ पे एक क्वेश्चन करके आया था कि एक टीचर है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक मॉडल को रिप्रेजेंट किया था, मतलब रिप्रेजेंट किया था विद द हेल्प ऑफ अ स्टूडेंट्स, ठीक है, और ऐसे करके ये क्वेश्चन ही आया था, मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ कि एक टीचर है उसने क्या किया था कि एक मॉडल को प्रेजेंट किया था विद द हेल्प ऑफ देयर स्टूडेंट्स, और उसके कुछ साल बाद उस मॉडल को, ये जो उसने जो मॉडल को रिप्रेजेंट किया था, है ना, वो मॉडल कैसा बन गया, पॉपुलर बन गया, कुछ साल के बाद वो मॉडल पॉपुलर बन गया, ठीक है, और धीरे धीरे उसी मॉडल को सभी स्कूलों ने फिर अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, सभी स्कूलों ने अडॉप्ट किया, फिर आपके स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में हुआ, फिर धीरे धीरे स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे उस मॉडल को यहाँ पे क्या किया गया, अडॉप्ट कर दिया गया। तो ये कौन सी अप्रोच के अंदर आता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में आता है, डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोच में आता है, ग्रास रूट अप्रोच में आता है, तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोच के अंदर आता है, ठीक है, ये किसके अंदर आता है, डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोच के अंदर आता है। जब भी ध्यान रखना कोई भी चेंज आपका रेगुलर प्रोग्राम में लाया जा रहा है एक स्मॉल स्केल पे, ठीक है, स्मॉल स्केल से फिर हम उसको लार्जर स्केल पे अगर लेके जा रहे हैं तो वो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोच होगा, समझ रहे हो, तो वो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन अप्रोच होगा, ठीक, क्लियर है बात। प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ न्यू करिकुलम, क्या क्या प्रिंसिपल है, अब ये जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो किसने दिए, पाशी शेलबर्ग्स ने दिए, किसने दिए, पाशी शेलबर्ग्स ने दिए, मैंने जानबूझ के सबके नाम यहाँ पे डाल दिए हैं क्योंकि आंटी का कोई भरोसा तो है नहीं किधर से पूछ ले। डिस्क्राइब किए हैं 7 प्रिंसिपल्स को, ठीक है, दैट आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू करिकुलम, ये कुछ प्रोसेस हैं जिनको 7, मतलब ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं जब भी हम करिकुलम, नए करिकुलम में चेंजेस को इम्प्लीमेंट करा रहे होते हैं। पहला आता है मेकिंग अ सेंस ऑफ व्हाई न्यू करिकुलम इज नेसेसरी, सबसे पहले तो यही समझना कि करिकुलम, नया करिकुलम यहाँ पे क्यों जरूरी है ना, ये चीज समझना। द मोरल ऑफ द पर्पस ऑफ द चेंज इज द की फैक्टर इन बिल्डिंग टू बिल्डिंग अ कमिटमेंट टू रेजिंग द क्वालिटी एंड क्लोजिंग द गैप इन अ स्टूडेंट अचीवमेंट, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला जो प्रिंसिपल हम यहाँ पे फॉलो करते हैं ये फॉलो करते हैं कि
जो हम चेंजेस लेके आ रहे हैं करिकुलम के अंदर वो क्यों जरूरी है, उसकी क्या जरूरत है यहाँ पे, फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं पूरे चेंजिंग प्रोसेस को। उसके बाद जो भी पूरा चेंजिंग प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। फिर आता है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग करने का मतलब क्या है, अब कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है, एक कंडीशन की तरह काम करता है फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ करिकुलम रिफॉर्म्स। ठीक है, जहाँ पे आपका पॉलिसीज आती हैं, स्ट्रेटजीज आती हैं, रिसोर्सेज आते हैं और अदर जो भी एक्शंस होते हैं। ठीक है, फिर आता है डेवलपिंग कल्चर ऑफ अ लर्निंग, है ना, डेवलपिंग जो कल्चर्स होते हैं लर्निंग के। सक्सेसफुल करिकुलम चेंज इन्वॉल्व लर्निंग ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। अ पावरफुल फैक्टर ऑफ चेंज इज लर्निंग फ्रॉम वन पीयर्स, स्पेशली दोज हु आर फर्दर अलॉन्ग इन इम्प्लीमेंटिंग का करिकुलम। ठीक है, एक लर्निंग के लिए पूरा एक यहाँ पे कल्चर्स को डेवलप करने की बात की जा रही है। फिर आता है आपका डेवलपिंग कल्चर फॉर ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, जहाँ पे हम कल्चर का इवैल्यूएशन कर पाए। फिर डेवलपिंग अ लीडरशिप फॉर चेंज। चेंज ये जो लीडरशिप है ना, एक जो गुड लीडरशिप होता है वो एक कंडीशन होती है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ करिकुलम की। यूटिलाइज करना जो भी आइडियाज हैं पहले से एग्जिस्टिंग स्कूल्स में, ठीक है, जो भी आइडियाज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको यहाँ पे यूटिलाइज करना न्यू करिकुलम में जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो। इतनी बातें क्लियर है, अभी नेक्स्ट आ जाओ। क्या है, प्लान एंड रिसोर्स फॉर इफेक्टिव करिकुलम चेंज, है ना। प्लान एंड रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं इफेक्टिव करिकुलम चेंजेस के, डॉक्टर चेरी चैरल कैरल चेरल ए जोनस एंड माइक एंडरसन ने प्रपोज किए हैं। ठीक है, प्रपोज द फॉलोइंग प्लान एंड रिसोर्सेज फॉर इफेक्टिव करिकुलम चेंज, जिसमें इन्होंने पहली बात बोली बी रियलिस्टिक, है ना, कैसा बात की जा रही, बी रियलिस्टिक अबाउट द टाइम स्केल्स एंड रिसोर्सेज नीडेड फॉर द इफेक्टिव चेंज टेकिंग इन टू द कंसिडरेशन पीपल रेडनेस एंड कैपेसिटी फॉर चेंज। मतलब कैसी बात की जा रही है, जो भी आपकी मतलब जब भी आप करिकुलम इफेक्टिव करिकुलम चेंज अगर लाना है तो आपको टाइम स्केल्स को देखना है, जो भी रिसोर्सेज नीडेड है जिससे हम इफेक्टिव चेंज ला पाए, रियलिस्टिक होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और पीपल की जो लोग हैं उनकी जो तत्परता है सीखने की, ठीक है, उनको ध्यान में रखना चाहिए। फिर आता है लुक फॉर पायोनियर्स एंड इनोवेटर्स हु कैन मोटिवेट अदर, मतलब जो पायोनियर्स होते हैं, जो इनोवेटर्स हैं, उनको यहाँ पे लाना, ठीक है, जिससे वो क्या कर पाए, दूसरे को मोटिवेट कर पाए। फिर आता है अलाउ फॉर डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन एट द प्लानिंग स्टेज, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक मतलब यहाँ पे जब भी हम प्लानिंग का जो स्टेज होता है वहाँ पे कितने ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अंदर। फिर डिफाइन करना व्हाट इज नॉट नेगोशिएबल, मतलब क्या नेगोशिएबल नहीं है, और उसके अलावा कुछ मतलब चॉइसों के लिए कि और कुछ चॉइसेस अगर हो सकती हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे जगह है। फिर आता है इनकरेजिंग मोर इफिशियंट वर्किंग को, सेट करना डेडलाइंस को जिसमें हमें उस प्रोग्राम को कंप्लीट करना है, एलिमिनेट करना जो कॉजेलिटीज होती हैं, ठीक है, जो हमारे करिकुलम डेवलपमेंट में क्या करती हैं, एक तरीके से बाधा डालती हैं, ठीक है, उसको क्या करना, एलिमिनेट कराना, जिससे हम क्या कर पाए, इफेक्टिव प्लानिंग कर पाए, है ना। इंक्लूड करना कम्युनिकेशन स्टैंड को इन द प्लान दैट प्रमोट ओपननेस, यहाँ जब भी ये करिकुलम प्लान को हम लोग डेवलप करा रहे हो तो वहाँ पे कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें आइडियाज मिल पाए। फिर आता है रोल ऑफ टीचर, जब भी रोल ऑफ टीचर की बात करते हैं यहाँ पे तो टीचर का रोल क्या होता है, एक सोशल रिफॉर्मर है। टीचर क्या है, एक सोशल रिफॉर्मर है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस होता है करिकुलम के अंदर वो टीचर्स का होता है, क्योंकि टीचर्स ही शेप करते हैं अपने चिल्ड्रंस को, ठीक है, और वही जब भी जैसे जैसे शेप करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे बच्चों को मोल्ड करेंगे वैसे वैसे वो बच्चे मोल्ड होते हैं, ठीक है। तो उनका जो रोल होता है टीचर्स का वो एक चैलेंजिंग रोल होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनकी उनको ये जिम्मेदारी मिलती है, वो जिम्मेदार होते हैं कि करिकुलम में कैसे हम डिफरेंट चेंजेस ला सके जिससे हमारी सोसाइटी को हेल्प मिल पाए, अंडरस्टैंडिंग देयर स्टूडेंट। एक गुड टीचर वही होता है जो अपने चिल्ड्रंस की नीड्स को अंडरस्टैंड कर पाए, है ना। जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को यूज कर रहा है, ठीक है, वो लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे को बच्चे की समझ के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। फिर एज एन इम्प्लीमेंटर, एक टीचर जो का रोल होता है वो कैसा होता है, इम्प्लीमेंटर होता है, जो भी चेंजेस लाने हैं, ठीक है, इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द करिकुलम चेंजेस, इफ द चेंज करिकुलम इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इट हैज नो वर्थ। मतलब जो भी करिकुलम में चेंज लाया है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, टीचर्स का है। अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, है ना, जैसे डिजिटाइजेशन हुआ, अगर स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अगर वो खुद ही नहीं डिजिटाइज हो पा रहे, है ना, डिजिटलाइज हो पा रहे, तो बच्चों को कैसे करेंगे। तो टीचर्स को ही इंश्योर करना चाहिए कि वो जो करिकुलम में चेंज लाया है उसको इम्प्लीमेंट करें,
ठीक है, एज अ करिकुलम इवैल्यूएटर। ठीक है, टीचर्स का रोल कैसा होता है, एक करिकुलम इवैल्यूएटर की तरह होता है। द फर्स्ट स्टेप इन द करिकुलम चेंज इज करिकुलम इवैल्यूएशन। जो पहला स्टेप होता है करिकुलम में वो क्या होता है, करिकुलम चेंज लाने में आप करिकुलम इवैल्यूएशन करते हो, जो एग्जिस्टिंग है पहले से जो है, ठीक है, उसका इवैल्यूएशन करते हो, जिससे स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता चल पाए। ठीक है, तो ये क्या है, सारे आपके रोल्स हैं टीचर के, भाई कई सारे अब इससे इस तरह से एप्लीकेशन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने पॉइंट्स डाले यहाँ पे। चैलेंजेस क्या है करिकुलम चेंज को इंप्लीमेंट करने में, लैक ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे क्वेश्चन एप्लीकेशन में पूछा गया हुआ है, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, मतलब उसकी कमी की वजह से, तो वो भी एक तरीके का बाधा की तरह काम करता है जिससे हम करिकुलम में चेंज नहीं ला पाते हैं। ठीक है, फिर ट्रेनिंग ऑफ टीचर, मतलब टीचर्स की वो अनएडुकेट टीचर्स, मतलब टीचर्स ही ट्रेंड नहीं है, ठीक है, टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है बट वो आईसीटी से मतलब फैमिलियर ही नहीं है, उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है, ठीक है, वो उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स के अंदर। फिर एटीट्यूडनल इश्यूज, ठीक है, एटीट्यूडनल इश्यूज कहने का मतलब क्या है, किसी के चीज़ के प्रति जो आपकी नेगेटिव एटीट्यूड्स होती है, जो नेगेटिव नेगेटिव जो नकारात्मक जो भावना होती है, ठीक है, तो करिकुलम चेंज में एक बिग एक तरीके का प्रॉब्लम भी बन जाता है जब हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होता है। ठीक है, हमारा क्या टीचर्स का या भी जो जो भी स्टेक होल्डर है उनका अगर एटीट्यूड नेगेटिव होता है उस करिकुलम से रिलेटेड, ठीक है, उन्हें इस नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से ज्यादा टाइम लग जाता है उसको अडेप्ट करने में, है ना, ये सारी चीजें। फिर आता है आपका फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है, अब फाइनेंशियल इश्यूज भी एक तरीके से फैक्टर की तरह काम करता है यहाँ पे, या चैलेंज की तरह काम करता है जिससे करिकुलम में हम इफेक्टिव चेंज नहीं ला पाते हैं। ठीक है, कि हमें करिकुलम का जो हमने बजट तैयार किया चेंज जो हमने लेके आना है, ठीक है, उस हिसाब से फाइनेंशियल हमारा नहीं हो पाता है, तो फाइनेंशियल जो इश्यूज होते हैं तो करिकुलम का एक मेन प्रॉब्लम भी आप कह सकते हो। ठीक है, कोई भी चेंज अगर आप लाना चाह रहे हो, ठीक है, किसी भी लेवल पे, तो आपको किसकी जरूरत है, फंडिंग की जरूरत है ना, फंडिंग की जरूरत है, तो इसीलिए तो ये फाइनेंशियल इश्यूज भी आपका एक चैलेंज की तरह काम करता है। तो देयर आर द फाइव चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग द करिकुलम चेंज, लैक ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग ऑफ टीचर, एटीट्यूडनल इश्यूज एंड फाइनेंशियल इश्यूज। राइट, क्लियर है यहाँ पे, ये हिंदी में है आपका। अब करिकुलम रिसर्च की बात करते हैं, अब इससे भी एप्लीकेशन, देखो ये जो करिकुलम रिसर्च है, टाइप्स ऑफ रिसर्च है, ये सारी चीजें मतलब एप्लीकेशन बेस्ड है एक्चुअली, इससे एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। करिकुलम रिसर्च आप क्यों करते हो, ऐसे समझो करिकुलम आप में आपको करिकुलम में चेंज लाना है तो आपको रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी ना, जब भी आप रिसर्च करते हो तो कोई नई चीज फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो रिसर्च करना ही क्यों है, क्योंकि आपको करिकुलम में चेंज लेके आना है। करिकुलम में जो भी चेंज लाओगे उसके लिए आप पहले क्या करोगे, पूरा रिसर्च करोगे, ठीक है, उसके बाद आप उस चीज को यहाँ पे लेके आओगे। रिसर्च एरियाज कैसे हो सकते हैं, आप किन किन चीजों में रिसर्च कर सकते हो, उनके सिलेबस में कर सकते हो, करिकुलम और प्रोग्राम क्या है, एडुकेसी जो है क्या है, कंटेंट की डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम है, एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, टीचर का जो एजुकेशन है, प्रिस्क्राइब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है, देयर रिलेशन टू द फुलफिलमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, दीज आर द रिसर्च एरियाज जहाँ पे आप पहले इसको रिसर्च करोगे करिकुलम को। क्लियर इतनी बातें, तो यहाँ पे हमारा यूनिट 5 का डी सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यूनिट 5 में मैं देखूं कोई स्लाइड छूट तो नहीं गई है। इसके बाद आपका एक मिसलिनियस होगा, ठीक है, एक घंटे की क्लास होगी वो। ठीक है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में आपके मिसलिनियस टॉपिक पूछे गए हुए हैं वो वहां पे मैं यूनिट 5 से, ठीक है, वो वहां पे मैं ऐड कर दूंगी। क्लियर है, जस्ट इसके मैं देख रही हूँ, बस फैक्टर्स हो गए आपके, आई थिंक मैंने सारी स्लाइड्स को कवर कर दिया यहाँ पे। तो जो मिसलिनियस होगा वहाँ पे हम सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, कई सारे करिकुलम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के करिकुलम्स हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है बात, तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं, जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो हमारा मिसलिनियस सेशन रहेगा। ठीक, और इसके जस्ट बाद, ठीक है, अभी हम लोगों ने 2018 का पेपर कवर किया है ना, 2018 का ही पेपर कवर किया है, जुलाई 2018 का पेपर कवर किया है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करूंगी आपका। ठीक है, जो नेक्स्ट पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे। हर पेपर को हम लोग 2023 तक, मतलब 2014 से लेकर के 2023 तक जितने भी पेपर आपके हुए हैं पेपर टू एजुकेशन के, वो सारे मैं चैनल पे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने 2018 का डिस्कस कर लिया, उसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स भी मैंने कराए हैं, तो जिन लोगों ने भी उसको नहीं देखा हो, मैंने अलग से एक सीरीज प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पे पेपर को मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो वहां से वो जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए वो वहां पे जाके देखें, है ना।
और जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आपका मिसलेनियस होगा। उसके बाद जो हम लोग अब हमारी यहाँ पे एक यूनिट कंप्लीट हो गई दिसंबर के लिए, ऑलरेडी मैंने करा दिया था लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ नई चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस यहाँ पे डाला है कंटेंट में, ठीक है। तो एक यूनिट कंप्लीट हो गई, इसके बाद जो दूसरी यूनिट मैं स्टार्ट करूंगी वो होगी आपकी यूनिट 3, है ना। यूनिट 3 लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं और कई सारे यहाँ पे डाउट भी हो जाते हैं, कभी कभी आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि यूनिट 3 एक ऐसा टॉपिक है ना, आपने बीएड एमएड एमए एजुकेशन कर रखा हुआ है तो वहाँ पे आपने पढ़ा जरूर होगा वो सारी थ्योरीज को, जितनी भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, है ना, चाहे गाइडेंस हो, काउंसलिंग हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, थोड़ी लंबी यूनिट है ये, तो सारी चीज़ों को आपने पढ़ रखा हुआ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप रिलेट कर पाओगे और इसके कोशिश करना की पॉइंट में ही नोट बनाना, बहुत डिटेल में मत बनाना, डिटेल में बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने अपने कोर्स में पढ़ रखा हुआ है, है ना। तो जो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आपका मिसलिनियस वीडियो के बाद, है ना, जो मिसलिनियस सेशन है आपका यूनिट 5 का उसको करने के बाद फिर हम ये यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो वो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, मैं टेलीग्राम पे कई सारे आपको करंट अफेयर इस टाइम पे दे रही हूँ, ठीक है, जो आपके रिसेंटली न्यूज़ में देखे जा रहे हैं वो सारे टेलीग्राम पे मैं दे रही हूँ। तो जो लोग नहीं जुड़े हो टेलीग्राम पे वो लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, क्योंकि जो भी आपकी अपडेट होंगी या जो कुछ भी पीएचडी से कोई भी फॉर्म वगैरह आता है या फिर जो भी अपडेट होती है वो सारी आपको टेलीग्राम पे ही अवेलेबल होंगी। सो आज का सेशन यहीं पे एंड करते, उम्मीद करती हूँ ये जो सेशंस हैं वो आपके लिए यूजफुल रहेंगे, आपके जो दिसंबर के एग्जाम्स हैं उसमें वो आपको हेल्प कर पा रहे होंगे। और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हो सिर्फ वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज नोट्स बनाओ, है ना, अपने खुद के नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी भी आप स्टडी करो तो कोशिश करो अपने खुद के नोट्स से पढ़ो, जब भी आप खुद के नोट्स से पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी, है ना। जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं चीज़ों को, है ना, ना जरूरी नहीं है आप पूरी चीजें लिखो, आप अपने आपने स्लाइड को देखा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जो भी ले लिया उसके बाद अपनी लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन नोट्स बनाओ, अगर दिसंबर में के लिए आप बैठ रहे हो तो प्लीज अभी बहुत सारा टाइम है, अगर दिन के 3 घंटे भी या फिर 2 घंटे भी दे सकते हो तो उस पेपर 2 का, पेपर 1 का अगर नोट्स नहीं भी बनाते हो तो एक बार चल जाता है, लेकिन पेपर 2 आपका आपको नोट्स बनाना ही पड़ता है। पेपर 1 के लिए जैसे हायर एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है आपका, इंडियन लॉजिक है, इन सब के नोट्स की जरूरत पड़ती है, आईसीटी है, आईसीटी में भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो पेपर 1 के नोट्स एक उतना नहीं बनाना है जितना आपको पेपर 2 के बनाने हैं, ठीक है। तो कोशिश करो जो टाइम आपको मिल रहा है तो उसके लिए आप नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर जैसे इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक करके जाना, और जो लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी करना अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियोस तो। ओके, थैंक यू एवरीवन।